हाय एवरीवन वेलकम टू जे केमिस्ट्री सो गाइस दिस इज़ आई रैंक बूस्टर नंबर 59 और इससे पहले 58 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं जो रैंक बूस्टर 58 था उसमें हमने डिस्कस की थी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थेरी और वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि लास्ट में फाइव टू सिक्स टाइम्स जो है वो पूछी जा चुकी है गेट में तो गेट का काफी फेव, फेवरेट टॉपिक है और ऐसे ही जो अपने पास क्लिपरिन इक्वेशन है यहां से भी गेट में बहुत बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन भी गेट 2019 का ही है तो अगर आपको ये कन्फ्यूजन होती है कि क्लोशियस क्लेपरन इक्वेशन को कौन से वाली सिचुएशन में कैसे मॉडिफाई करके यूज़ करना होता है तो फिर आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाली वीडियो खत्म होने के बाद एक और चीज़ है मैंने ये नोटिस किया है कि जो भी स्टूडेंट्स गेट के लिए पढ़ रहे हैं उसमें कुछ एस्पिरेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हमें ना कॉन्सेप्ट भी पता है हमें क्वेश्चन में देख के समझ में आ रहा है कौन से वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है हम वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं लेकिन जब हम यूज़ करते हैं वर्चुअल कैलकुलेटर वहां पे हमें बहुत टाइम लग जाता है कैलकुलेशन करने में इसीलिए आगे से अब जो रैंक बुस्टर आया करेंगे उसमें जो भी फिजिकल का क्वेश्चन होगा ना आपको साथ में कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी वर्चुअल कैलकुलेटर पे इसकी भी कैलकुलेशन हम करेंगे वर्चुअल कैलकुलेटर पे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि क्लोशियन इक्वेशन होती क्या है बेसिकली अप्लाई कौन सी कंडीशन में करेंगे क्योंकि ऐसे वाले स्टूडेंट्स भी जिन्होंने थर्मोडाइनमिक्स नहीं पढ़ी है या फिर जिन्होंने फेज इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है क्योंकि हम फेज में भी यूज करते हैं इस इक्वेशन को तो फिर भी अगर क्वेश्चन यहां से आया तो आप उसको स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे क्लोशियस इक्वेशन होती क्या है तो सिंपल सी इक्वेशन है डेल्टा डेल्टा आपको सिर्फ इतना सा याद होना चाहिए बाकी सारी जो मोडिफिकेशन हैं वो तो आप एग्जाम में भी कर सकते हो वैसे ज्यादा बेटर रहेगा फॉर्मूला पहले से पता हो टाइम और ज्यादा सेव हो जाएगा अब पहले ये समझो कि फॉर्मूला तो हमने लिख लिया है इसमें कौन से वाली टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है जैसे यहाँ पे डीपी है डीपी क्या है बेसिकली चेंज इन प्रेशर डी चेंज इन टेम्परेचर टी इज टेम्परेचर और डेल्टा एच क्या है इन ऑफ इन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन जनरल हम इसको बोल सकते हैं इन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अब किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम आगे देखेंगे और डेल्टा वी क्या है चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसमें वॉल्यूम में कितना चेंज आया है चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन इतना क्लियर है आप सिर्फ अगर आपको इतना भी पता है तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अब देखो ये वाली इक्वेशन हम कब यूज करेंगे पहले एक चीज देखना क्लोशियस क्लिपर इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं फेस ट्रांसफॉर्मेशन पे जब भी कोई फेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा वहां पर हम अप्लाई करते हैं अब फेस ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है अगर मैं आपको बोल रही हूँ फेज तो आपको क्या समझ में आ रहा है क्या आया माइंड में लिक्विड फेज हो सकता है सॉलिड फेज हो सकता है फेज हो सकता है है ना जनरली सॉलिड लिक्विड गैस तो यहाँ पर बात ये है कि लेट्स से आपने सॉलिड को कन्वर्ट किया है लिक्विड के अंदर तो ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन ही है पहले सॉलिड फेज था अभी लिक्विड हो गया है या फिर लेट्स से आपने लिक्विड को ट्रांसफॉर्म कर दिया किस में गैस Gase में गैश फेज में आप लेके चले गए उसको ठीक है तो ये भी क्या है फेज ट्रांसफॉर्मेशन है ऐसा भी हो सकता है कि हम गैस से क्या करवा दें सॉलिड बना दें क्या हो गया सब्लिमेशन का प्रोसेस हो गया है तो ये सारे क्या है फेस ट्रांसफॉर्मेशन है तो ऐसे वाले प्रोसेस में क्या करते हैं यूज करते हैं क्लोशियस क्लेपरन इक्वेशन को जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर सॉलिड से लिक्विड बना रहे क्या हो होगा अपने पास सॉलिड से लिक्विड यानी कि फ्यूजन का प्रोसेस है फ्यूजन है यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड है ना तो इस वाले केस में हम बोलेंगे इन थे ऑफ फ्यूजन जैसे यहां पे लिक्विड से गैस बना रहे हैं दैट मीनस क्या हो रहा है यहाँ पे बॉयल हो रहा है है ना, लिक्विड को हम बॉइल करके गैस में लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा लिक्विड से आप गैस बना रहे फिर लिक्विड से हम वेपर बना रहे हैं तो इस वाले केस में जाएगा इंथेलपी ऑफ वेपराइजेशन अगर लेट्स से हमने गैस से सॉलिड बनाया है तो उस टाइम पे डेल्टा एच का मीनिंग क्या होगा इंथेलपी ऑफ सबलिमेशन इस तरह से तो डिपेंड करता है आपका फेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख लो क्या बोलना है फिर क्लियर हो गया उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा फेस ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो यहाँ पे टेम्परेचर हम ले लेंगे इतना क्लियर हो गया इसके बाद डेल्टा वी क्या है लेट से हमने सॉलिड से लिक्विड बनाया है तो डेल्टा वी का मतलब क्या होता है volume, की volume. Volume की होगी? की. इतना क्लियर अगर इतना हो गया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अभी हमें सारी टर्म्स पता चल गई हैं अभी हम बोलेंगे कि इस वाली इक्वेशन को कौन से में हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा सही है अभी देखो अगर आपके पास क्वेश्चन में dp dt की कोई है, फिर तो आप आपको, आपको, आपको सिर्फ ये निकालना है तो अगर आपके पास ऑलरेडी डेल पी बाई की वैल्यू है तो फिर तो आपको डायरेक्टली यही फॉर्मूला अप्लाई करना है कोई सोचने वाली बात ही नहीं है लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि आपको दो टेम्परेचर या फिर दो प्रेशर दे रखे हों या फिर लेट से एक प्रेशर दे रखा है दो टेम्परेचर दे रखे हैं एक आपको फाइंड आउट करना है तो जब भी ऐसा कुछ होगा कि जहां पे आपको लगेंगे कि दो प्रेशर रिक्वायर्ड होंगे और दो टेम्परेचर की वैल्यू रिक्वायर्ड होंगी तो उस वाली के उस वाले केस में हम इसको मॉडिफाई करेंगे क्लियर हो गया अगर डायरेक्टली हमारे पास डीपी बाई डी टी की वैल्यू है हम पुट करेंगे सॉल्व कर लेंगे अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन में दो टेम्परेचर या फिर दो प्रेशर की बात हो रही है तो उस वाले केस में आपको इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा अब मॉडिफाई कैसे करेंगे मॉडिफिकेशन में भी हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं एक तो हम ये देखेंगे जहां पर लेट से सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है सपोज या फिर हम ये कहें कि जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो मेन पॉइंट ये है अगर हम सॉलिड और लिक्विड कंसीडर करें सॉलिड और लिक्विड फेज है गैश फेज नहीं है तो उस वाले केस में क्या होगा हमें ये पता है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो सॉलिड और लिक्विड फेज पे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है लिक्विड या फिर सॉलिड पे वो क्या होता है नेग्लिजिबल होता है ठीक है लेट्स से आपके पास कोई लिक्विड रखा हुआ है आपने प्रेशर उसके ऊपर इंक्रीज करा तो जो वॉल्यूम में चेंज आएगा ना वो नेग्लिजिबल होगा लेट्स से पहले वॉल्यूम कितनी है 4.4 लीटर है सपोज आपने ऊपर से प्रेशर और ज्यादा बढ़ा दिया अभी क्या होगा मान लो कि 3.9 पॉइंट लीटर्स हो गई वो तो चेंज कितना है पॉइंट वन का जिसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं तो मेन पॉइंट ये है कि जब भी सॉलिड और लिक्विड की बात होगी तो वहां पर प्रेशर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाता है तो उस वाले केस में डेल्टा भी एज सच नेग्लिजिबल है उसमें ज्यादा चेंज नहीं आता है इतना क्लियर हो गया तो अभी क्या होगा हम डेल्टा वी को इन दोनों केसेस में इन दोनों केसेस में हम डेल्टा वी को कॉन्स्टेंट मानते हैं इन दोनों केसेस में हम डेल्टा वी को कॉन्स्टेंट मानेंगे ध्यान रखना वहां पे गैस इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए ठीक है ना क्योंकि गैस पे तो प्रेशर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इसलिए मैंने लिखा सॉलिड लिक्विड यूज किया है या फिर लिक्विड सॉलिड यूज किया है गैस की बात ही नहीं कर रही मैं तो सिर्फ इस वाले केस में प्रेशर का क्योंकि इफेक्ट नहीं आएगा तो डेल्टा वी को हम कॉन्स्टेंट ले लेंगे ठीक है इतना ओके तो इस वाले केस में हम लिखेंगे फिर क्या अपना डेल्टा डेल्टा है और मैंने आपको बोला है कि क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है जहां पे आपको दो प्रेशर या फिर दो टेम्परेचर लेने हैं तो कैसे करोगे तो अगर ये दोनों वाले केसेस हैं तो हम क्या करने वाले हैं हम इसको इंटीग्रेट करेंगे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे अब कैसे करेंगे इंटीग्रेट इंटीग्रेट करने के लिए पहले जो सेम टर्म्स उनको एक साइड ले लेते हैं जैसे यहां पे डी है यहां पे भी टेम्परेचर है डी को मैं इस तरफ ले जाती हूँ इसको मैंने यहां से हटाया और यहां लेके चली गई मैं इसको ठीक है इस तरह से करा मैंने अभी यह करेंगे नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको इंटीग्रेट कि प्रेशर इनिशियली था लेट से पी वन और पी वन से लेके पी टू तक हमने कर दिया इसको इंटीग्रेट और ऐसे टेम्परेचर पर भी टी वन से लेके इसको हमने कर दिया इंटीग्रेट टी टू तक ठीक है स्टार्ट करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा ये तो वन है वन को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं प्रेशर के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा पी आ जाएगा ये लिमिट कितनी है पी वन से पी टू पी वन से

इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इतना क्लियर हो गया अभी वन बाई टू वन बाई टी का क्या होगा इंटीग्रेशन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एल एन टी तो इसको मैं लिखूंगी डेल्टा एच बाई डेल्टा वी इंटू एल एन टी और साथ में लिमिट्स कहां से कहां तक हैं टी वन से लेके टी टू तक लिमिट पुट करते हैं ये हो जाएगा पी टू माइनस पी वन पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा वी एल एन ऑफ टू बाई टी वन ऐसा क्यों क्योंकि पहले हम लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये हो जाएगा ऑफ ऑफ अभी हो गया एल एन ए माइनस एल एन बी किसा एलन ऑफ ए बाई बी वही लिखा है मैंने हाँ पर, तो ये हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया तो फर्स्ट इक्वेशन अपने दो प्रेशर की बात हो रही हो हमें दिख रही हो तो फिर इसको हम यूज करेंगे और ध्यान रखो यहाँ पे हम डेल्टा वी को कांस्टेंट मान चुके हैं और तो ये वाला सिर्फ सॉलिड लिक्विड या फिर लिक्विड सॉलिड वाले केस में ही लगाना है ऐसे वाले केस में मत लगाना जहां पे गैस इन्वॉल्व फिर यहां पर, यहाँ पर। करेक्ट हो गया इतना तो ये हमारे पास आ गई है सेकेंड टाइप की इक्वेशन अब एक केस और देखेंगे जहां पर गैस इन्वॉल्व हो तो अगर गैस इन्वॉल्व है तो फिर तो हम उसको कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं इस बार बाइलेट से अपना क्या हो रहा है सॉलिड से सपोज गैस बन रहा है या फिर लिक्विड से हमारा फेस कन्वर्ट होकर गैस में जा रहा है या फिर लिक्विड से इंकॉल्टेड हो सकता है गैस से सॉलिड बन रहा हो या फिर अपना गैस से लिक्विड बन रहा हो ये वाले केसेस होंगे तो इस वाले केस में क्योंकि यहाँ पे गैस इन्वॉल्व है तो इस बार आप डेल्टा V को कांस्टेंट नहीं ले सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम में ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज करने से ठीक है ओके और यहाँ पर भी अगर आपको दो टेम्परेचर की वैल्यू रिक्वायर्ड है फिर दो प्रेशर की बात हो रही है क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट करना है दोनों में से तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन को थो थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा ठीक है चलो कैसे करेंगे अब जब भी हमारे पास ये गैस वाला केस आता है तो यहाँ पर ना दो अप्रोक्सीमेशन आप लेते हैं जो हम फॉर्मुला डिराइव करेंगे उसमें दो अप्रोक्सीमेशन लगते हैं अगर आप बुक में देखोगे ये सारी चीजें तो देखो होता वही है लास्ट में कंक्लूजन यही निकलने वाला है लेकिन मैं आपको सारी चीजें समराइज करके सिर्फ 10 मिनट में कंक्लूड कर रही हूँ कि ऐसा केस है तो ऐसा कर दो ऐसा केस है तो ऐसा कर दो हम पूरी प्रॉपर डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, ठीक है और पूरी डिटेल में आपको बता नहीं रही हूं, मैं बता रही हूं, ऐसे ऐसे वाले में आपको ऐसे कर लेना है उसको हम ट्रीट करते हैं एज आइडियल गैस कोई भी गैस हो उसको हम ट्रीट करते हैं एज आइडियल गैस इसका मीनिंग क्या हो गया है अगर ये आइडियल गैस है तो इस पर आइडियल गैस इक्वेशन हम अप्लाई कर पाएंगे सिंपल सी बात ये है तो पहला अप्रोक्सीमेशन हो गया गैस चाहे कोई भी हो रियल गैस हो कैसे भी गैस हो उसको हम आइडियल गैस कंसिडर करेंगे केस केस क्या है ये है ये डेल्टा वी की बात करते हैं यहां पर आओ क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इस वाले केस में वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ऑफ गैस माइनस लिक्विड ऐसे ही करते हैं तो मेन पॉइंट यहां पर यह आएगा निकल के इन चारों में से आप कोई भी प्रोसेस देख लो मेन कंक्लूजन ये है कि अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम जो है गैस ही ज्यादा ऑक्यूपाई करती है सॉलिड और लिक्विड इतना ऑक्यूपाई नहीं करते हैं इसीलिए वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरिजन में लिक्विड और सॉलिड की वॉल्यूम को निगलेक्ट किया जाएगा और इसको माइनस करने के बाद हम निगलेक्ट करके इक्वल टू तो वॉल्यूम ऑफ गैस ही लिखेंगे इसको भी हम इक्वल टू तो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू तो वॉल्यूम ऑफ गैस ही लिखेंगे यानी कि कंक्लूजन क्या हुआ है जब भी हमारे पास गैस इन्वॉल्व होगी हम डेल्टा वी को वॉल्यूम ऑफ गैस लेके चलेंगे ये बात है सिर्फ ठीक है अगर गैस इन्वॉल्व नहीं है तो हम डेल्टा बी को कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे और जब हमारे पास गैस इन्वॉल्व है तो उसको हम वॉल्यूम ऑफ गैस के इक्वल ले लेंगे क्योंकि इनमें कुछ होने वाला नहीं है वॉल्यूम का ठीक है गैस के में हम सॉलिड और लिक्विड की वॉल्यूम को इग्नोर कर सकते हैं निगलेक्ट कर सकते हैं यह है बात इतना ठीक हो गया चलो फिर से आते हैं वापस एक क्वेश्चन पे क्या थी डी पी बाई डीटी डी पी डीटी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी डेल्टा वी है ना अब इन वाली प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करते हैं डेल्टा वी को हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ गैस और फिर मैंने ये भी बोला है कि आइडियल गैस की जैसे इसको ट्रीट करेंगे दैट वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ऑफ गैस गैस को लिखेंगे हम इज इक्वल टू एन एन आर आर टी टी पी पी है ना तो उसको यहां पे पुट करो ये हो जाएगा डी पी बाई डीटी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी इन टू वी के प्लेस पे लिखा मैंने एन आर टी और ऊपर चला गया ठीक है इतना अब फिर से करेंगे इंटीग्रेट फिर से अपने वेरिएबल्स को आप सेपरेट कर लो प्रेशर को एक साइड ले आओ लेचर को एक साइड ले आओ तो प्रेशर को मैं नीचे लेकर जाऊंगी डी पी बाई पीवल डेल्टा एच बाई एन आर टी स्क्वायर इन टू डी टी इतना क्लियर है ओके इसके बाद कॉन्स्टेंट क्या क्या है डेल्टा एच कॉन्स्टेंट है एन कॉन्स्टेंट है आर कॉन्स्टेंट है उसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे तो यहां पर मैं कर रही हूं इंटीग्रेट इसको P1 से लेके P2 तक और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं T1 से लेके T2 तक तो ये 1 by P क्या कहावल टू डेल्टा एच बाई एन आर कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दिया हमने क्या बचेगा इंटीग्रेशन T1 से लेके T2 टू वन बाई टी स्क्वा यही है कैसे करेंगे इंटीग्रेशन स्क्वायर को ऊपर ले जाओ ये हो जाएगा टी रू दिपावर माइनस टू करते हैं माइनस टू प्लस टू प्लस वन अपॉन माइनस वन जो माइनस वन आया था इसको ठीक है लिखा वन बाई टी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है टी वन से लेके टी टू तक तो लिमिट पुट करते हैं ये हो जाएगा एल एन ऑफ पी टू बाई पी वन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाय एन आर इंटू वन बाय टी टू माइनस वन बाय टी वन और ये आ गया आपका फॉर्मूलाफी तो इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन आपने देखा था अभी वो क्वेश्चन हम इसी फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करने वाले हैं क्लियर हो गया ना यहाँ पे चलो क्लियर है इतना हमने तीन फॉर्मूले देखे हैं आपको समझ आ गया होगा कैसे कैसे क्या करना है अब चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड करो पहले ये पता लगाएंगे कि इसमें कौन सी कौन सी वैल्यूज गिवन है ठीक है और ये कौन से वाला केस है फर्स्ट है एक्स है है? उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हैलविन बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है लिक्विड होगा पहले उसको बॉइल किया होगा ठीक है ना तो लिक्विड को जब आप बॉइल करोगे क्या होगा वो

ये आपको गिवन है आपने ध्यान रखना जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एक बार जो जो गिवन है ना उसको अपनी रफ शीट पे लिख लो सो so दैट बार बार आपको स्क्रीन पे ना देखना पड़े और ऐसे सिर्फ देखने में ऐसा ना हो जाए कि कोई गलत वैल्यू पुट कर दो इससे बेटर है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फटाफट रीड करो क्वेश्चन को और फटाफट जो भी आपको गिवन है उसको अपने लिखो रफ शीट पे लिखो एक बार ठीक है कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर पे करनी है बट जो गिवन है जो फॉर्मुला पुट करना है यूज करना है वो सब आप रफ शीट पे करेंगे यह आपको गिवन है और इन्होंने कहा है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है 350 Kelvin है है बॉइलिंग पॉइंट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू बॉइल एक्स एट थ्री हंड्रेड इज अगर आप टेम्परेचर को कर दोगे थ्री हंड्रेड कैलविन तो कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको बॉयल करने के लिए क्वेश्चन समझ में आ गया ओके okay. इसके बाद देखो हमें समझ में आ रहा है कि दो टेम्परेचर हमें दिख चुके हैं एक प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है तो ये बात तो है कि डी पी बाय डी टी की वैल्यू आपके पास है नहीं तो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था वो आप लगा नहीं सकते हो केस थर्ड ही लगाना पड़ेगा क्या था फॉर्मूला एल एन डिराइव किया है इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाई आर इंटू वन बाई टी टू माइनस वन बाई टी वन यही था तो हमें यही वाला फॉर्मूला यहां पर यूज करना है अब ना इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है

मेन पॉइंट ये होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस uh, का वो होता है जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो भी आप लिक्विड बॉयल कर रहे हो जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है इसके सराउंडिंग के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा ये हमने क्लास इलेवन ट में भी पढ़ा है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जब किसी लिक्विड का प्रेशर जब जब उसको बॉयल कर रहे हो जब वो इक्वल हो जाएगा उसके सराउंडिंग के प्रेशर के क्लियर हुआ या फिर हम ये बोल रहे कि उसके एटमोस्फेयर जो उसका है उसके प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो नॉर्मल केसेस में बात हो रही है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की हम ये मान लेते हैं कोई भी लिक्विड तब बॉयल करेगा जब उसका सराउंडिंग का प्रेशर कितना होगा वन ए टी एम क्योंकि हमारे ना नॉर्मल प्रेशर कितना है अपने एटमोस्फेयर का वन ए टी एम मान के चलते हैं तो मेन पॉइंट यहां से ये निकल के आ रहा है कोई भी अपना सब्सटेंस तब बॉयल करेगा तब उसका वेपर प्रेशर जो है वो वन एटीएम के इक्वल हो जाएगा ये हमारे पास होगा यूनिवर्सल डेफिनेशन इसीलिए मेन पॉइंट ये है जब इन्होंने पे बोला है कि उसका मीनिंग सेल्सियस वाटर अपना है उसका जो प्रेशर है वो अपने सराउंडिंग के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा और ये हम नॉर्मल कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं कोई माउंटेन पे आके प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है उसके कंसिडर नहीं कर रहे नॉर्मल केसेस में कंसिडर कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर भी वही बात है थ्री फिफ्टी पे इस कंपाउंड uh, ने बॉयल करना स्टार्ट किया है जो कि उसका बॉयलिंग पॉइंट है दैट मींस इसका जो वेपर प्रेशर है वो इसके सराउंडिंग के प्रेशर के इक्वल हो गया होगा और सराउंडिंग का प्रेशर कितना होता है 180m 180m तो यहाँ पर देखो इसको अगर आप t1 कंसीडर करोगे ठीक है तो ये आपका p1 हो गया सिर्फ इसमें यही एक हिडन वाला वैल्यू थी जो आपको निकालनी थी बेसिकली में में यही थी जो आपको आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा है, है है तो केस में प्रेशर तो इतना ही होगा। और और ये आपके पास T2 P2 करना आउट सही है इतना क्योंकि ये इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है अब उसके टेम्परेचर में आप चेंज कर रहे हो आप चाहते हो कि वो थ्री हंड्रेड पे पर ही हो जाए ठीक है तो अगर आप चाहते हो वो कम टेम्परेचर पर बॉइल करे तो क्या होना चाहिए आप खुद सोच के देखो

कम ही प्रेशर आने वाला है क्लियर हो गया लेकिन एक चीज और देखो आपको टोर में फाइंड आउट करना है और यहाँ तक ये यह गिवन भी है कि वन एटीएम तो काम करते हैं 1 ATM को मैं रिप्लेस कर देती हूँ यहाँ पे सेवन सिक्सटी टोर से तो यहाँ पे बात ये है जो भी आप आंसर निकालेंगे क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया है दैट मींस आपका प्रेशर भी कम रहा होगा तो जो भी आंसर आएगा वो सेवन सिक्सटी से तो पक्का कम आने वाला है तो इससे आगे श्योर हो सकते हो कि हाँ कॉन्सेप्टुअली तो सही निकाला है बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी वो बात अलग है चलो सारी कहानी सुना दी सब कुछ हो गया अब वैल्यूज पुट करेंगे मैं इसको ना नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ और आपको पुट करके दिखाती हूँ कि इक्वेशन में मतलब वैल्यूज कैसे पुट करने वाले हैं तो पहले यहाँ पे देखो एल ऑफ पी टू डेल्टा एच बाय आर इंटू वन बाय ये है ठीक है वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर P2 हमें फाइंड आउट करना है P1 कितना है सेवन सिक्सटी टोर मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूं कि जब भी कोई फिजिकल का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको यूनिट साथ साथ मेंशन करनी है सो so दैट कोई मिस्टेक ना हो साथ में वैल्यू पुट करते हैं किसी डेल्टा एच कितना है डेल्टा एच है अपने पास थर्टी जूल पर मोल थर्टी जूल पर मोल आर की वैल्यू कितनी एट पॉइंट थ्री वन एट पॉइंट थ्री वन जूल पर कैलोविन

किलो जूल को मैं चेंज कर देती हूँ जूल में थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दिया गया जूल अब जूल से जूल कैंसिल कैलविन कैलविन है दोनों में माइनस में है ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं कैलविन को कैलविन को हमने बाहर निकाल दिया अब कैलविन से पर कैलविन कैंसिल हो गया तो ये अपने पास यूनिटलेस है सिर्फ टोर बचा हुआ है उसमें हमें प्रेशर चाहिए था आ जाएगा इतना क्लियर हो गया अब हमें ये देखना है कि हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे सही इसको देख पा रहे हो इसको मैं ले देती हूँ ये ये है ठीक है अब हम देखेंगे कैलकुलेशन में कैसे करनी चाहिए मैं सिर्फ इतना ही काम करूंगी रफ शीट में अब डायरेक्टली मेरा आंसर आएगा इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना डायरेक्ट मैं आंसर लिखने वाली हूं यहाँ पर तो अब देखो यह आपके पास कैलकुलेटर है वर्चुअल कैलकुलेटर मैं आपको फिर से बोल रही हूँ प्ले स्टोर पर जाना जाके वर्चुअल कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो और सारी कैलकुलेशन उसी पर करना ओके okay, स्टार्ट करते हैं तो मेरे पास समझ करना है वन बाई थ्री हंड्रेड माइनस वन बाई थ्री फिफ्टी करना है तो मैंने लगाई पहले ब्रैकेट वन डिवाइड बाय थ्री हंड्रेड ब्रैकेट क्लोज माइनस वन डिवाइड बाय थ्री फिफ्टी सही है इज इक्वल टू माइनस का आ गया ठीक है अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है किससे थर्टी थाउजेंड से वन टू थ्री हो गया मल्टीप्लाई तो इतना आ गया अब हम करेंगे इसको डिवाइड किससे करना था एट पॉइंट थ्री वन फोर से मैं ब्रैकेट लगा देती, लगाने की नीड नहीं है वैसे लगा ले तो कोई बात नहीं एट पॉइंट थ्री वन या ठीक है तो अब ये जो भी आंसर आया है हमें पता है माइनस लगा हुआ था दैट हमें माइनस का चाहिए हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है अगर हम चाहते हैं इस पॉजिटिव वैल्यू को माइनस बनाने का करेंगे यारा, यारा बटन प्रेस करो प्लस माइनस ये हो गया सही है इतना अब देखो इतना आपके पास है इतना निकाल लिया क्या था वहां पे एल एन ऑफ पी टू बाई पी वन इज इक्वल टू दिस ठीक है क्या करना पड़ेगा एल एन को इस तरफ लाना पड़ेगा क्या हो जाएगा वो ई e की पावर बन जाएगा यानी कि आपको जो E की पावर बनाना है इसको तो आप डायरेक्टली प्रेस करो यहाँ पे E की पावर बन गया ये आंसर आ गया इतना क्या करेंगे अभी आगे ये हुआ है पी टू बाय मे सेवन सिक्सटी टोर इज इक्वल टू दिस यानी कि पी टू निकालने के लिए मुझे सेवन सिक्सटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको क्या करूँगी मैं इसमें इन टू सेवन सिक्सटी और ये आ गया मेरा आंसर वन थर्टी सिक्स पॉइंट टू वन तो बस यहाँ लिखेंगे वन थर्टी सिक्स पॉइंट टू वन टोर में आया है ठीक है तो सारी कैलकुलेशन मैंने कैलकुलेटर पे ही कर दी मुझे अलग से कुछ लिखने की नीड नहीं है कितनी वैल्यूज आई पहले इसको सॉल्व करेंगे लिखेंगे इसको सोल्व करेंगे फिर माइनस करेंगे फिर मल्टीप्लाई ये सब नहीं करना है सब कुछ आपको कैलकुलेटर पे ही करना है और वहां से आपका इतना आंसर आ जाएगा और यही है इसका फाइनल आंसर जो गेट के साइड से रेंज आई थी इस क्वेश्चन की वो आई थी वन ट्वेंटी टोर टू वन फोर्टी टूर ठीक तुम्हारा आंसर लाइक कर रहा है इसके बीच में दैट करेक्ट है आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी हैप्पी लर्निंग